Hey friends, welcome back to my channel Sense Friend. आज के इस वीडियो में मैं Airtel Black Plans लेटेस्ट लीफलेट से बताऊंगा और साथ में Airtel Fiber कनेक्शन के साथ जो Huawei ZTE का राउटर मिला है उसका रिव्यू भी दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो ZTE Huawei के राउटर से। राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। Airtel टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स। पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON। तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है। अभी अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS। LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल। तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का। इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चार LAN पोर्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आप LAN पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन। तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है इसलिए लाइट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे लेकिन अभी वो नहीं करते, लैंडलाइन फ़ोन। तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई, ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको, जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं, सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर लगा के यहाँ पर इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है, इसका पावर अडैप्टर है ये, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूंगा राउटर ऑफ हो जाएगा, अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट, तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर। उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है, ये डिवाइस है इस तरीके की, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है ग्लास की तरह, तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पर लगा रखा है। तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है इसलिए लगाया गया है यहाँ पर कि फाइबर वायर टूट ना जाए, यहाँ पे काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है।
अब मैं आपको एयरटेल ब्लैक प्लान्स के बारे में बताता हूँ। तो ये है एयरटेल ब्लैक का लेटेस्ट लीफलेट, जिसमें लिखा है फ्रंट में एयरटेल ब्लैक बचत का भंडार, एयरटेल ब्लैक 998 रुपए प्लान पर सुपर सेविंग का मौका, 2 मोबाइल कनेक्शंस प्लस फाइबर वाईफाई कॉम्बो, एक बिल एक कॉल सेंटर एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप टीम, सीमलेस 5G नेटवर्क विद अनलिमिटेड 5G डेटा, Amazon प्राइम एंड Disney प्लस Hotstar सब्सक्रिप्शन फ्री, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसके बैक साइड में हम देख लेते हैं प्लान की डिटेल्स। पिक द बेस्ट एयरटेल ब्लैक प्लान नाउ। प्लान टाइप है पहला Wi-Fi प्लस DTH, इसमें मंथली रेंटल है 1099 रुपए और हाई स्पीड डेटा विद रोल ओवर बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। Wi-Fi स्पीड विद फ्री राउटर, Wi-Fi स्पीड है इसमें 200 Mbps तक की। फ्री राउटर जो आपके पास इंस्टॉल किया जाएगा तो उसका एडवांस पेमेंट भी है। TV चैनल्स विद फ्री 4K एंड्रॉइड बॉक्स, 350 प्लस SD HD चैनल्स मिल जाएंगे इसमें आपको। इसमें एयरटेल ब्लैक का एक्सेस मिलेगा, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम, और Amazon प्राइम और Disney प्लस Hotstar का एक्सेस भी मिलता है इसमें। एक्सट्रीम प्ले में आपको मिल जाएगा सोनी लिव, हीरोस नाउ, होई चोई, लायंस गेट प्ले, शिमारो मी, अल्ट्रा, एपिक ऑन, एम, डॉलीवुड, क्लिक, डॉक्यूबे, हंगामा प्ले, शॉर्ट्स TV, राज TV, चौपाल, कंचा, लंका, ओल्ड बालाजी, फैन कोड। नेक्स्ट प्लान हम देख लेते हैं। प्लान टाइप है मोबाइल प्लस वाईफाई, इसमें आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा पोस्टपेड का, मंथली रेंटल है 1098 रुपए, हाई स्पीड डेटा विद रोल ओवर बेनिफिट 75 GB तक का रोल ओवर बेनिफिट मिल जाएगा इसमें आपको, वाईफाई स्पीड विद फ्री राउटर 100 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी इसमें, TV चैनल्स विद 4K एंड्रॉयड बॉक्स इसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, एयरटेल ब्लैक का एक्सेस है और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, Amazon प्राइम और Disney प्लस Hotstar का एक्सेस इसमें मिलता है। तो एयरटेल एक्सट्रीम प्ले में आपको 18 प्लस OTT चैनल्स मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद प्लान टाइप है मोबाइल प्लस TV, इसमें आपको 2 कनेक्शंस मिल जाएंगे पोस्टपेड के, मंथली रेंटल होगा 799 रुपये, हाई स्पीड डेटा विद रोल ओवर बेनिफिट 105 GB तक है, वाईफाई स्पीड विद फ्री राउटर इसमें नहीं है, TV चैनल्स विद फ्री 4K एंड्रॉयड बॉक्स 350 प्लस SD चैनल्स मिल जाएंगे इसमें आपको, एयरटेल ब्लैक का एक्सेस है और 3 महीने के लिए एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस मिलेगा, Amazon प्राइम और Disney प्लस Hotstar का एक्सेस इसमें मिलता है। 3 महीने के लिए जो एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस मिलेगा इसमें 18 प्लस OTT चैनल्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट प्लान टाइप है मोबाइल प्लस वाईफाई, 998 रुपये मंथली रेंटल है और 105 GB डेटा मिलेगा हाई स्पीड डेटा विद रोल ओवर बेनिफिट में, वाईफाई स्पीड विद फ्री राउटर में 40 Mbps तक की स्पीड है इसमें, TV चैनल्स विद फ्री 4K एंड्रॉयड बॉक्स नहीं है इसमें, एयरटेल ब्लैक का एक्सेस मिलता है, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम और Amazon प्राइम और Disney प्लस Hotstar का भी एक्सेस मिलता है इसमें। इसमें आपको 2 कनेक्शंस मिल जाएंगे पोस्टपेड के। नेक्स्ट प्लान है मोबाइल प्लस वाईफाई, मंथली रेंटल है जिसका 1799 रुपए, इसमें आपको 4 कनेक्शंस दिए जाएंगे पोस्टपेड के, हाई स्पीड डेटा विद रोल ओवर बेनिफिट में 190 GB डेटा मिलता है और वाईफाई स्पीड विद फ्री राउटर में 200 Mbps तक की स्पीड है इसमें, TV चैनल्स विद फ्री 4K एंड्रॉयड बॉक्स नहीं मिलेगा इसमें, एयरटेल ब्लैक का एक्सेस है, लाइफ टाइम एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस मिलेगा और Amazon प्राइम और Disney प्लस Hotstar का एक्सेस मिलेगा। नीचे ऐसे लिखा है एयरटेल ब्लैक इज इक्वल टू कन्वीनियंस ऑफ 1 bill 1 call center डेडिकेटेड रिलेशनशिप टीम एंड फ्री सर्विस विजिट्स, और वाईफाई में आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा। तो इसमें जितने भी प्लान्स मैंने आपको बताए हैं इसमें 18% GST एडेड नहीं है। 18% GST ऐड करके इन सब प्लान्स में कितना अमाउंट बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो पहला प्लान है 1099 रुपए का, इसमें 18% GST ऐड करके फाइनल प्राइस बनेगा मंथली 1297 रुपए। उसके बाद जो 1098 रुपए का प्लान है इसमें 18% GST ऐड करने के बाद 1296 रुपए फाइनल प्राइस बन जाएगा। 799 रुपए वाले प्लान में 18% GST ऐड करेंगे तो 943 रुपए फाइनल प्राइस बनेगा। 998 रुपए वाले प्लान में अगर 18% GST ऐड करते हैं तो 1178 रुपए फाइनल प्राइस बनेगा, और लास्ट प्लान 1799 रुपए में 18% GST ऐड करते हैं तो 2123 रुपए फाइनल प्राइस बनेगा। ये थी डिटेल्स एयरटेल ब्लैक के प्लान्स के बारे में और साथ में एयरटेल फाइबर कनेक्शन के साथ जो हुआई ZTE का राउटर मिला है उसका रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।